CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 के छात्रों के लिए कार्यक्रम जुगनू और तितली। बच्चों, टोनू और मोनू दो मित्र थे, तुम्हारी ही तरह नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे। मोनू को तितलियां बड़ी प्यारी लगती थी और टोनू को जुगनू। बच्चों, रंग बिरंगी तितलियां तो तुम्हें भी अच्छी लगती होंगी, लगती है ना? टोनू का मन जुगनू की टिमटिमाती रोशनी देखकर मचल उठता था। वो सोचता रहता, काश जुगनू को बहुत पास से देख पाते। मगर कैसे देख पाते? दोनों ने खूब सोच विचार किया। मोनू पे एक तरकीब सूझी। दोनों खुशी खुशी बाग की ओर चल पड़े। वहाँ हरी हरी घास, पेड़, पौधे, बेल, खिले हुए फूल देखकर दोनों मस्ती से उछलने कूदने लगे। मौज मस्ती में वे घूम घूम कर बगीचे की हर चीज को गौर से देखने लगे। उन्हें पता ही नहीं चला कि घूमते घूमते काफी देर हो गई है। तभी टोनू बोला, मोनू, जुगनू और तितलियां तो दिखाई नहीं दिए। अरे टोनू, वो देख वहाँ बगीचे में, जहाँ ढेर सारे फूल खिले हैं, वहाँ तितलियां मंडरा रही हैं। बच्चों, वे दोनों खुशी से उछल पड़े। वे तितलियों के पास धीरे धीरे जा पहुँचे। भला दौड़ कर क्यों जाते? अरे तितलियां उड़ न जाती, इसीलिए धीरे धीरे गए। बच्चों, रंग बिरंगे फूलों पर तितलियां देखकर उन्हें ऐसा लगा मानो वे कोई खेल खेल रही हो। बच्चों, जानते हो तितलियां फूलों पर बैठकर क्या कर रही थी? अरे फूलों का रस पी रही थी। टोनू मोनू ने देखा, उनके पंख ऊपर खड़े थे, वे सुस्ता रही थी। बच्चों, तितलियां जब आराम करती हैं तो वे अपने पंख ऊपर की ओर खड़े करके ही करती हैं। ऐसे में उन्हें तंग नहीं करना चाहिए, उन्हें आराम करने देना चाहिए। दोनों चुपके से तितलियों के झुंड के बिल्कुल पास पहुंच गए। तितलियों को पता भी नहीं चला। वे बड़े गौर से तितलियों को देखने लगे। बच्चों, पता है उन्होंने क्या क्या देखा? तितलियों के पंख, दो पंख नहीं, चार पंख, दो छोटे पंख और दो बड़े पंख। बड़े पंख छोटे पंखों को ढके हुए थे। और उन्होंने क्या देखा? उनके पैर देखे। कितने पैर देखे तुम्हें बताएं? 3 जोड़े यानी 6 पैर। बच्चों, तितली के 6 पैर होते हैं। हमारी तुम्हारी तरह 2 पैर नहीं होते। अब तुम सोच रहे होगे कि तितली का शरीर कैसा होता है। तितली का शरीर 3 हिस्सों में बटा होता है, सिर, धड़
और पंख। बच्चों, तितली के सिर के आगे दो आंखें होती हैं। कितनी आंखें होती हैं? हाँ भाई, पैर छह होते हैं, पर आंखें दो ही होती है तितली की। तुम्हें एक बात सुनकर बड़ा अचंभा होगा, वो ये कि तितली की आंख बहुत सारी पुतलियों को मिलाकर बनती है, समझे? हमारी तुम्हारी आंख में सिर्फ एक ही पुतली होती है, लेकिन तितली की आंख में बहुत सारी पुतलियां होती हैं। बताओ तो जरा, क्यों होती हैं बहुत सारी पुतलियां? नहीं मालूम? लो हम बताते हैं। तितली की आंख में बहुत सी पुतलियां इसलिए होती हैं कि वे बिना गर्दन घुमाए दूर के फूलों को भी आसानी से देख सके। बच्चों, टोनू मोनू ने एक चीज और देखी। तितली के माथे पर दो लंबी लंबी मूछें। बच्चों, ये दो मूछें तितली के बड़े काम की हैं। पता है इन मूछों से तितली क्या करती है? सूंघने का काम करती है। अरे हाँ भाई, सूंघने का काम करती है, जो काम हम और तुम अपनी नाक से करते हैं। बच्चों, टोनू मोनू बड़े ध्यान से तितलियों को देखे जा रहे थे, उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। बच्चों, इससे पहले कि तुम्हें कुछ और बताएं, ये बताओ कि तितली के विषय में हम तुम्हें क्या क्या बता चुके हैं। तो भाई, पहला सवाल है, तितली के कितने पंख होते हैं? बताओ बताओ बताओ। हाँ, अरे कुछ बच्चे तो रेडियो को ताके जा रहे हैं, लगता है उन्होंने ध्यान से नहीं सुनी हमारी बात। अरे भाई, तितली के चार पंख होते हैं, दो छोटे और दो बड़े। अच्छा अब बताओ, जब तितली अपने पंख सीधे ऊपर खड़े करके चुपचाप बैठी हो तो क्या समझना चाहिए? हाँ, आराम कर रही है। क्या कर रही है? आराम कर रही है। अच्छा बच्चों, तुम्हें एक और मजेदार बात बताएं। तितली के गले के पास ठीक मुंह के नीचे एक झिल्ली होती है। इस झिल्ली से तितली चूसे हुए रस को पचाती है। हाँ, अब बच्चों, टोनू मोनू बहुत देर तक तितलियों को देखते रहे। उधर शाम होने लगी, सूरज की रोशनी कम होने लगी और अंधेरा होने लगा था। अब बगीचे में तारे टिमटिमाने लगे। हाँ, मोनू के मुंह से निकल पड़ा, टोनू देख देख, आसमान के तारे बगीचे में उतर आए हैं। दस तेरे की कितना भी नहीं जानता, ये जुगनू है जुगनू। अच्छा, तो यही जुगनू है। देख देख, ऐसा लगता है ये दोनों आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। मैं जुगनू हूँ। मैं तितली हूँ। जुगनू भैया, मुझे बताओ
इस अंधियारी रात सारे जग को करते रोशन, आखिर है क्या बात? बात काम की, आज सुनाता हूँ अपना राग, तुम्हें बतलाता हूँ। रात मुझे लगती है प्यारी, तब सबके मन जाता हूँ। चमक चमक कर, दमक दमक कर, गीत मौज की गाता हूँ। फूल फुलाते मुझे प्यार से, दिन के उजियाले में देख नहीं पाती हूँ, पर मैं रात के अंधियारे में। अंधकार से मत घबराओ, रात तुम्हें दिखलाता हूँ। मेरे संग चले आओ, पास फूल के ले जाता हूँ। टोनू मोनू टिमटिमाते जुगनुओं को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे भागने लगे। अरे बच्चों, तुमने टिमटिमाते हुए जुगनू देखे हैं? जरूर देखे होंगे। जब ये जुगनू टिमटिमाते हुए रोशनी छोड़ते हैं तो जानते हो कैसा लगता है? लगता है जैसे तुम्हारी तरह कोई शरारती बच्चा बार बार टॉर्च को जला बुझा रहा हो। बच्चों, जानते हो जुगनू रोशनी कहाँ से करता है? जुगनू अपने पेट के हिस्से से रोशनी निकालता है। जुगनू के पेट पर एक पर्त होती है, उस पर्त पर छेद होते हैं। उन छेदों में ऐसा पदार्थ होता है जो रोशनी छोड़ता है। समझ गए ना बच्चों? एक बात और बताएं। एक चिड़िया होती है ना, जिसे बया कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि बया जुगनू को पकड़कर अपने घोंसले में रख लेती है। भला ऐसा क्यों करती है बया? भाई, कहा जाता है कि अपने घोंसले में रोशनी करने के लिए वो ऐसा करती है। बच्चों, ये जुगनू बारिश के बाद ही हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। चारों ओर टिमटिमाते हुए, रोशनी करते हुए। बच्चों, टोनू मोनू जुगनू के पीछे इधर उधर भागते रहे, कभी खड़े हो जाते और उन्हें देखते रहते। पर कब तक देखते हैं? उन दोनों के पेट में चूहे जो कूदने लगे थे, इसीलिए वे हंसी खुशी अपने घर लौट गए। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।